हेलो, तो कैसे हो मेरे भाई, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में अपन देखने वाले 3.1 अपडेट जो अभी अपने BGMI में आने वाला है। इस अपडेट में बहुत सारी चीजें होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 3K के लिए बहुत ज्यादा क्लोज है। तो गाइस, इस मोड के अंदर आपको बहुत से नई लोकेशंस देखने को मिलेंगी और आपको यहाँ पे हवा में दो पोर्टल देखने को मिलेंगे जो कि आपको निम्बस आइलैंड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे एक निम्बस आइलैंड होने वाला है डे वाला और एक होने वाला है नाइट वाला, और जो डे वाला है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली नाइट में भी शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आप जंप करोगे निम्बस आइलैंड के पोर्टल पे तो आप टेलीपोर्ट हो जाओगे निम्बस आइलैंड पे। यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली है। यहाँ पे आपको रिस्पॉन कार्ड और रिकॉल कार्ड भी मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरीके के बहुत से लूट क्रिएट मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बहुत सी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रोविंग ग्रेनेड के बारे में। अगर ये ग्रेनेड आप किसी बंदे पे फेंक देते हो तो वो गन पीछे रख के ऑटोमेटिकली डांस करने लगेगा कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे मेरे सामने होता है एक बॉट जिसपे मैं ये ग्रेनेड फेंक के ट्राई करता हूँ और आप देख सकते हो कैसा डांस करने लगा है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं पोर्टल स्टेप। यहाँ पे ये आपको मदद करेगा एक साइड से दूसरे साइड टेलीपोर्ट होने के लिए। यहाँ पे आपको पोर्टल को यूज करने के लिए सिर्फ फायर बटन पे प्रेस करके रखना होगा और आपके सामने एक मार्क आ जाएगा। आपको फायर बटन छोड़ना है और एक पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा जिससे आप एक साइड से दूसरे साइड टेलीपोर्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको निम्बस आइलैंड के बीचों बीच एक मैजिक लैम्प देखने को मिलेगा जिसमें से एक जिनी निकलेगा और आपको बहुत सारी लूट और रिस्पॉन कार्ड देगा। यहाँ पे आपको जैसे ही रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा आपके पास दो रिकॉल हो जाएंगे, एक रिकॉल जो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और एक रिकॉल रहेगा जिसमें आपके टीममेट को रिकॉल टावर पे आके आपको रिकॉल देना होगा। यहाँ पे आप अगर निम्बस आइलैंड पे अकेले बचते हो और आपको यहाँ से एग्जिट करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके के बहुत सारे एग्जिट पॉइंट दिख जाएंगे जिससे आप एग्जिट करके कहीं भी रंगल के अंदर रेंडमली आप टेलीपोर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लाइंग शिप्स के बारे में। यहाँ पे आपको दो फ्लाइंग शिप्स देखने को मिलेंगी। आपको फ्लाइंग शिप्स के बहुत सारे स्टॉप भी देखने को मिलेंगे। यहाँ जैसे ही आप शिप पे आ जाओगे तो आपको इस तरीके की शिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे शिप पे आपको एक लूट क्रिएट भी देखने को मिलेंगी और यहाँ पे एयर कैनल्स भी है जिससे आप आतिशबाजी भी कर सकते हो और आप खुद भी थ्रो हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइंग कारपेट के बारे में। ये आपके काफी काम में आने वाली है। अगर आप फ्लाइंग कारपेट को थोड़ा नीचे से उड़ाओगे तो उसकी टॉप स्पीड 70 आएंगी। अगर आप उसको थोड़ा स्प्लिंट करके ऊपर लेके जाओगे तो उसकी हाई स्पीड 120 तक के आ जाती है। अगर आप उसको बूस्ट लगाते हो तो 180 तक के उसकी स्पीड चली जाती है जो कि काफी अच्छी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका फ्यूल जो है वो काफी स्पीड में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फेस्टिवल टाउन के बारे में, जो कि आपको पूरे जंगल में 3 देखने को मिलेंगे जिसमें आपको काफी अच्छी लूट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको फेस्टिवल टाउन में एक गेट देखने को मिलेगा जो कि लॉक होगा जिसको आपको खोलना है। आपको कुछ इस तरीके के दो चीजें देखने को मिलेंगे जिसपे आपको सिर्फ खड़े रहना है और ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जैसे आप ये दोनों चीजों को ओपन कर दोगे तो आपको गेट ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको काफी अच्छी लूट मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इस गुफा की, जो आपको पूरे रंगल में 4 देखने को मिलेंगे। गुफा का गेट ओपन करने के लिए आपको एक की लगेगी जो कि आपको सिर्फ इस तरीके के क्रिएट्स में मिलेगी। ये क्रिएट्स ढूंढने के लिए आपको एक ट्रेजर मैप आपके बैग के अंदर दिख जाएगा जिसको आपको यूज करना है और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्रिएट्स है। उन क्रिएट्स में से आपको इस तरीके की की देखने को मिलेंगी जिससे आप इसको ओपन कर सकते हो। टनल के अंदर आपको बहुत सारी लूट्स देखने को मिलेंगी और एक आपको एग्जिट पॉइंट भी देखने को मिलेगा जो आपको रेंडमली कहीं भी जंगल में टेलीपोर्ट कर देगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।